नमस्कार, इस वक्त हम जयनगर स्थित खेरा मार्ट में हैं और खेरा मार्ट जयनगर की अगर बात करें तो जयनगर में बाढ़ ग्रसित हो गया है। कमला नदी एक बार फिर उफान पे है। कमला नदी में अपना रौद्र रूप दिखा रही है और ऐसे में आसपास के जो इलाका है, आसपास का जो गांव है, वहां भी काफ़ी बाढ़ पानी आ गया। इस कारण बाढ़ हो गया तो बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित किसान हो रहे हैं। किसान को उनके फसल का काफ़ी नुकसान हो रहा है, उनकी सब्जी बर्बाद हो गई है, पूरी तरह से नष्ट हो गई है। हमारे साथ कुछ किसान हैं, उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि क्या नष्ट हुआ है और कैसे वो अभी उनका क्या स्थिति है। तो आपका सर एक बार पहले अपना नाम बता दीजिए और नाम के साथ ही कि क्या नुकसान। अरे हम लोगों के यहाँ जो नाम है, मेरा नाम उमेश चोरवार, खैरा मठ के वासी है और यहाँ हम लोगों का सब्जी खेती पूर्ण अति हो चुका है, नाश हो गया। जो बहुत सा किसान है जो त्राहिमान में जा रहा है, तो यही हाल है यहाँ का, यही हाल है। आप किस किस चीज की खेती करते हैं? हम करते हैं बैंगन का, करेला का, घीरा का, कदुआ का, झिमनी का खेती। अभी हम लोग का तूफान पर था लेकिन बाढ़ में हम लोग को बहुत तहस नहस कर दिया है। किस किस चीज की सब्जी की जो आप खेती करते हैं वो फसल नष्ट हो गई है? हाँ, वो फसल नष्ट हो गया है। अब मान लीजिए धान का बिछड़ा भी लोग को किसान को यहाँ नहीं के बराबर है। जो यहाँ जो जलमग्न है वो दृश्य आप लोगों को सामने में है, जो देखिए जो दृश्य क्या बता रहा है। जो दृश्य में मतलब किसान कैसे नदी रोड सब जाम है, रोड उठ टूट के पूरा भी जाम हो चुका है। जैसे किसान जाता था वैसे किसान अब नहीं जा पा रहा है। जो स्थिति है इस गांव की, अगल बगल गांव सब का भी यही हाल है। कितने की लागत लगाई थी आपने? करीब करीब हम लोग का 70-75 हज़ार लागत लग चुका था। अब हम लोगों को निकलने का बारी आया तो कमला नदी तूफान में आकर लोगों को हमको पूंजी को चौपट कर दिया। हम लोग त्राहिमान में कर रहे हैं। कौन कौन सी सब्जी आपकी नष्ट हो गई है? हम लोगों का बैंगन हो गया है, कदुआ हो गया, करेला हो गया, घीरा हो गया, झिमनी हो गया, मिर्चाई हो गया, सबका फसल अभी नाश में जा रहा है। ठीक है, हमारे साथ और भी किसान हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या क्या फसल है। क्या नाम है आपका? अनिल चोरवार, खैरा मठ का। अच्छा, तो आपकी कौन कौन सी सब्जी नष्ट हुई है आप अभी कह रहे थे? बैंगन, मिर्ची, इसके बाद बोरा, कद्दू, करेला, खीरा, झिमनी, ये सब नुकसान हो गया है। और पानी आ गया है, बाढ़ आ गया है, पूरा बैंगन भी सूख गया, पूरा पानी में जो है सो दह गया पूरा। उस खेत पे आप अभी जा पा रहे हैं जहाँ आपने? नहीं, हम वहाँ पर नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि जाने सुविधा नहीं है, रोड कट गया है, इसलिए करके जो है सो हम लोग नहीं। लागत लगाई थी आपने सब्जी उगाने में? 60-70 हज़ार रुपया लगभग लगा था। हमारे साथ और भी किसान हैं और इनसे भी जानते हैं कि हमारा एक बीघा में पूरा डूब गया, गल गया है, 80 हज़ार रुपया लागत है। हाँ, अभी एक भी फसल नहीं बचने वाला। क्या नाम है आपका? नारायण मुखिया। कहाँ आप करते हैं खेती? यहाँ पर आगे। जगह का नाम बताइए। जगह इस किनारे पर, खेरा मठ का। कितने एकड़ में खेती करते हैं आप? एक बीघा में किया है खेती। एक बीघा? हाँ, चारों बगल घेर के किया है। वहाँ पर देखिए वहाँ घास के बगल में। अभी तो वहाँ आप जा भी नहीं सकते? अभी उधर हमेशा रहता है, हम उधरे। अच्छा, आप लोग के लिए पानी के लिए नहीं जा सकते? नहीं जा सकते ना, पूरे फसल नुकसान हो, पूरे नुकसान हो गया। किस किस चीज की खेती किए थे आप? बैंगन, सजमन, मिर्ची, बस तीन रोटी। ये जो बाढ़ आई है इस इलाका में, जयनगर से सटा हुआ है और बाढ़ का पानी है, तो इसकी असर कितने दिनों तक यहाँ पर रहेगी, देखने को मिलेगी? 15-20 दिन रहेगा। तो 15 दिन में तो फसल, जो पेड़ पौधे है वो तो गल जाएंगे ना? पूरा गल गया, अब ऐसे रहने देंगे क्या करेगा? अब कोई फसल लगाएगा साहिम से नहीं है, सब पूंजी डूब गया, पैसा नहीं है, कहाँ से लगाएगा? किसान लोग कहाँ से आएगा? अगले जोताई लगता है ट्रैक्टर में, आ गया रोक दी। तो ये हर साल आती है ऐसे बाढ़ या फिर इस साल आई है? हर साल आता है। अच्छा, हर साल आती है? हर साल ये बाढ़ जो है ना, हर साल यहाँ किसान को तबाह किया हुआ है, जो कोई यहाँ देखने वाला नहीं है। तो फिर आप जैसे हर साल ये बाढ़ ग्रसित इलाका है, हर साल बाढ़ आ जाती है, तो फिर आप क्यों लगाते हैं? लगाते हैं जो मतलब मौका ऐसा आया, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो लोग क्या करेगा? उम्मीद पर जिंदगी में लोग तो उम्मीद है, लेकिन कुछ सहारा लेके चलेगा। अच्छा, यदि सहारा नहीं है तो लोग क्या कर सकता है? यहाँ तो देख ज्यादा आ जाए। यहाँ पे बताइए क्या क्या बता रहे थे अभी आप?
कोनो साल जो है सो ज्यादा बाढ़ आता है, कोनो साल कम आता है, इसी हाँ उम्मीद पे लगा देते हैं। जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? यही यही है, सब्जी खेती, धान खेती, गेहूं खेती, मक्का खेती, वही सब खेती है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा नुकसान नील गाय और शुगर सबसे ज्यादा तबाही करता है किसान को। अच्छा। सबसे अधिक वो सबको खून खान देता है, शुगर जो है ना नीचे से जड़े से जो है सो खून देता है, और नील गाय जो है सो पूरा फूट कर देता है, चढ़ जाता है पूरा। सब तो, सब्जी को एक तो बाढ़ से प्रभावित बाढ़ और दूसरा हाँ, नील गाय तो सबसे ज्यादा परेशान करती है, सबसे ज्यादा। आपके सामने में बाढ़ इतना है जो आप नजर के सामने है, आप देख सकते हैं जो बाढ़ की क्या सिचुएशन है, बाढ़ आप देख सकते हैं जो बाढ़ का क्या सिचुएशन है, कहीं कुछ होने वाला नहीं है, किसान का बिछड़ा तक नहीं है। जो किसान अब पुनः धान रोपने का कोशिश करे, सब्जी लगाने करे है ही नहीं, तो लगाएगा आप कौन चीज? अब पुनः पूंजी कहीं से कर्ज उठाएगा तो लोग कोशिश करेगा जो फिर आगे सीजन में कुछ कम आए। यही है, यही है यहाँ के किसान सब की हालत।